दोस्तों, बिजली का काम करते हुए आपको अक्सर ये चीज़ देखने को मिलती है कि आपके साथ में ऐसी घटना जैसे कि करंट का लगना और शॉर्ट सर्किट होना, यानी कि गलती से कभी कोई तार आपस में शॉर्ट हो जाए और हमने डायरेक्ट अगर कनेक्शन लगा दिया तो उसके साथ में हमारे पटाखा बोल जाता है, बहुत तेज़ से मतलब धमाका होता है, आवाज़ आती है, यानी कि शॉर्ट सर्किट के जैसे खेल हमारे साथ होते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखें तो हमारे साथ इस तरह की दुर्घटना होने से बच जाएगी, हमारे साथ ऐसी दुर्घटना नहीं होगी। तो क्या करना होता है हमें, तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर आप लोग यही जानने वाले थे। ये जो आप मोटर देख रहे हैं कूलर की, कूलर के अंदर भी इसको इस्तेमाल में किया जाता है और एग्जॉस्ट के अंदर भी किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो कूलर की मोटर है, यानी कि ये एग्जॉस्ट की मोटर है, ये 18 इंची का एग्जॉस्ट है, इसके अंदर आखिर क्या प्रॉब्लम है इसको आज हम चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके सामने अगर इस तरह के संकेत आते हैं तो आपको डायरेक्ट करंट इसके अंदर नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, आपको डायरेक्ट करंट नहीं लगाना है। अगर आपका मतलब किस प्रकार के संकेत मिले आपको तो डायरेक्ट करंट आपको नहीं लगाने चाहिए। आप वीडियो का ध्यान से देखिएगा, तभी आप इस बात को पूरी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। दोस्तों, इस कूलर की मोटर को मैं जो है कि अपने पैनल बोर्ड के अंदर, जो कि मैंने परमानेंट बना रखा है, ये इसके अंदर मैं इसको चेक करूंगा। और इस तरह की कोई भी मोटर, पंखा हो या कूलर हो या कोई 2 SP या 3 SP की मोटर हो, उसको आप कस्टमर के घर पे भी सीरीज बोर्ड से या मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। सीरीज बोर्ड से आपको कूलर पंखे कैसे चेक कर लेने चाहिए, जैसा कि मैं इसके अंदर चेक करके अभी आपको बताऊंगा, उसी तरह से आपको उनके घर पे ही पता लग जाएगा कि आखिर उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। बाहर से भी आपको पता लग जाएगा, आप वहां पे खोल करके देखना चाहते हैं तो वहां खोल करके भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं खुलता है तो आप बाहर से भी चेक करके पता लगा सकते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है और आपको इसके अंदर डायरेक्ट करंट, क्योंकि इस तरह की जब प्रॉब्लम आएगी आपके पंखे या कूलर में जो आप चेक करने या ठीक करने जा रहे हैं, तो आपको जब इस तरह की प्रॉब्लम आए तो कभी भी उसके अंदर आपको डायरेक्ट करंट नहीं लगाना है। सबसे आज की वीडियो के अंदर दोस्तों, आप लोग इस बात पे जरूर गौर कीजिएगा कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है जैसे कि इसमें आ रही है, तो आपको उसमें डायरेक्ट करंट नहीं लगाना है। अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे तो आपका मतलब यहाँ पे जैसे डायरेक्ट लगाएंगे तो ये पटाखा बोलेगा और बहुत तेज मतलब शॉर्ट सर्किट, यानी कि आपको चोट भी लग सकती है। दोस्तों, किसी भी कस्टमर के घर पे आपको कूलर पंखे को अगर चेक करना है, उसके लिए आप इस तरह का पैनल बोर्ड तो उसके घर ले जा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है जिसके ऊपर थंबनेल भी लिखा हुआ है, सीरीज का बाप। आप उस वीडियो को देख लीजिए, मैंने उसमें टेम्परेरी कैरी फॉरवर्ड, यानी कि कहीं भी लेकर जाने वाला सीरीज बोर्ड मैंने या सीरीज लैंप बना रखा है। तो आप उस तरह से बना करके किसी भी कस्टमर के घर जा करके अपने इलेक्ट्रिकल के किसी भी प्रोडक्ट को आप उससे चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। इसके हम परमानेंट जो हमारा बोर्ड है इसके अंदर हम इसको लगाएंगे। हमने सीरीज लैंप के तार को लगा लिया है और इसको यहाँ पे लगाएंगे, देखेंगे। देखिए देखिए, अभी ये हमारा जो, देखिए अभी ये जो है कि बिल्कुल ही डायरेक्ट हो रहा है। देखिए, आप अगर पंखे बल्ब को डायरेक्ट करेंगे हल्का भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको जैसे शॉर्ट करेंगे तो आपका देखेंगे कि बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि बल्ब बिल्कुल भी कम नहीं होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे जब आपका बल्ब फुल जल रहा हो, डायरेक्ट करंट लगाने पर जब आपका बल्ब इस तरह से फुल जल रहा है, तो इसका मतलब है कि पंखा या कूलर जो भी है आपका शॉर्ट हो रखा है अंदर से। या तो इसकी दोनों तारे आपस में शॉर्ट हो गई हैं जल करके, या तो इस मोटर की वाइंडिंग फूकी हुई हो सकती है। ठीक है, और नहीं तो जो भी हमारे कंडेंसर के कनेक्शन के मतलब जितने भी तार अंदर होते हैं आपस में, कई बार क्या होता है कई लोग एक साथ करके उसमें टेप लगा देते हैं, जो कि आपस में वो शॉर्ट हो जाते हैं सीलन की वजह से या किसी भी कारण बस आपस में चिपक जाते हैं, जिसके कारण कि वो मोटर हमारे अंदर से मतलब इस तरह से तार शॉर्ट हो जाएंगे। तो आपका बाहर में जैसे कि आप डायरेक्ट बल्ब जलाएंगे तो भी उतना ही तेज जलेगा, और आप अगर इसके अंदर लगाएंगे इस तार के ऊपर में तो भी आपका उतना ही तेज जलेगा। और ऐसे में जब आप 240 वोल्ट इसके अंदर देंगे तो एक बहुत बड़ा धमाका होगा, जिसकी वजह से आपको चोट लग सकती है और इसकी पूरी तार वगैरह सारी शॉर्ट हो सकती है, बटन भी खराब हो सकते हैं, इसलिए आप ऐसा ना करें। ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, आपको खोल के दिखाते हैं कि इस तरह की अगर प्रॉब्लम आपके कूलर या पंखे में आती तो आपके मोटर के अंदर क्या हो सकता है, क्यों आखिर ऐसी प्रॉब्लम आती है जो बाहर में हमारा बल्ब पूरा डायरेक्ट जल रहा है जबकि इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस बनाना चाहिए। इसको ढक्कन को हटाते हैं, देखिए आप देखेंगे कि इसकी वाइंडिंग जो है कि फूकी हुई है, और वाइंडिंग देख सकते हैं, देखिए इसकी रनिंग की कॉइल फूक रखी है, देखेंगे, देखिए बाहर वाली क्वाइल फूकी हुई है, यानी कि अंदर वाली, यानी कि ये जो स्टार्टिंग की क्वाइल है और इधर एक जो है बाहर की ये काली रखी है रनिंग की क्वाइल, तो यानी कि रनिंग की क्वाइल इसकी आप चारों तरफ से देखेंगे, चारों के चारों क्वाइलें रनिंग की आपकी इसकी फूकी हुई हैं। देखें, देखिए रूटर के नज़दीक में जो है वो क्वाइल सही है, ठीक है, लेकिन आपकी
रनिंग की कॉइल इसकी फूकी हुई है, ये भी कॉइल फूकी है, इधर वाली भी फूकी है और इधर वाली भी अब कॉइल फूकी हुई है, यानी रनिंग स्टार्टिंग की कॉइल बची हुई है और रनिंग की कॉइल फूकी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि रनिंग की कॉइल आखिर फूकती क्यों है, ठीक है, रनिंग की कॉइल आखिर इसकी क्यों फूकी है? तो मैं आपको इसका सबसे बड़ा रीजन बताऊं, आपके पंखे का कैपेसिटर अगर कमजोर होगा, वीक होगा, या कैपेसिटर का कनेक्शन हट जाएगा और पंखा आपका चालू रह जाएगा तो आपका रनिंग का कॉइल फूकता है, ठीक है। ओवरलोड होता है पंखा आपका तो भी आपकी रनिंग की कॉइल फूकती है, और जब आपके कैपेसिटर का तार हट जाएगा या शॉर्ट मार जाएगा उसकी वजह से भी आपका ये फूक जाएगा। तो आप देखेंगे इसकी जो कैपेसिटर की तार है, अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए पूरी तरह से ये गल गई है, यानी कि ये खत्म हो गई है, देख सकते हैं पूरी तरह से ये, मतलब बिल्कुल ही इसके जड़ ही खत्म हो गया, यहां से मतलब ये गल गई है, और पंखे को इन्होंने चालू छोड़ दिया, और चालू छोड़ने के बाद में रनिंग के ऊपर सीधा लोड गया, स्टार्टिंग का तो कनेक्शन हट गया, स्टार्टिंग बच गई लेकिन रनिंग फूक गई। इसका कारण यही है कि ये कैपेसिटर जो कि हमारा लगा हुआ था इस पे, तो वो कैपेसिटर का तार हट गया, दोनों के दोनों हिल हिल करके ये टूट गए, निकल गए और आपका ये पंखा ये हमारा फूक गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपके पंखे में, यानी कि ये पंखा फूका हुआ है, इसकी कॉइलें सारी आपस में शॉर्ट हो रखी है, और इसके जो कनेक्शन है हमारा, ये जो मेन का कनेक्शन जा रहा है जो कि रनिंग से आ रहा है, इसकी कॉइलें भी आपस में शॉर्ट हो गई है, जो कि कॉइल शॉर्ट होने की वजह से रेजिस्टेंस बिल्कुल भी ये पंखा ये कूलर नहीं बना रहा है। तो ये हमारा आगे जब हम चेक करते हैं सीरीज में, तो ये डायरेक्ट बताता है, मतलब हमारा बल्ब पूरा फुल जलता है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं बताता है बल्ब हमारा, ठीक है। आप इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो भी इसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं बताएगा, लेकिन अगर जब इसकी वाइंडिंग कर देते हैं हम, तो उस समय जब हम इसको चेक करेंगे तो वहां पे ये कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हमारा बल्ब कुछ ना कुछ डायरेक्ट करने पे तेज हो जाता है, और इसके ऊपर जब कर देते हैं कॉइलों पे तो वो धीमा हो जाता है, यानी कि ये रेजिस्टेंस बनाता है। तो दोस्तों इस ये मोटर जब इस तरह की प्रॉब्लम आपके पंखे को चेक करते हुए आए, तो आप थोड़ा सावधान हो जाएं। सावधान होने के साथ साथ आप एक चीज और देखें कि आप अंदाजा लगा लें ऊपर से कि आपकी मोटर शॉर्ट हो सकती है, या तो वो पंखे की मोटर जो है या कूलर की मोटर जो है वो फूकी हुई हो सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था कि आपको बताना था मुझे कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके कूलर या पंखे में आ रही है, और इस वीडियो से दोस्तों आप एक चीज और सीख सकते हैं कि अगर आपके कंडेंसर की वायर अगर हट जाए तो आपके पंखे फूक सकते हैं, ठीक है। इसलिए कंडेंसर की वायर जब भी लगाते हैं तो उसके ज्वाइंट वगैरह तो बहुत अच्छे से लगाएं, हो सके तो आप इसके ऊपर जब पिन वाली होती है, जो कैपेसिटर होते हैं हमारी, जो तार वाली है, लेकिन एक पिन वाली भी कैपेसिटर आती है जिसमें पिन निकले हुए होते हैं, तो आप उसको अगर लगाएंगे तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे सोल्डिंग कर देना है। सोल्डिंग कर देंगे तो वो जल्दी से उसका ज्वाइंट खराब नहीं होगा और आपकी मोटर या कोई भी पंखा है वो फूकने से बच जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे आने वाली सभी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। नमस्कार दोस्तों।